ओके भाइयों, तो सिंघम अगेन, सिंघम 3 का जो थर्ड पार्ट, सिंघम का जो थर्ड पार्ट है उसका ट्रेलर आ चुका है। पहले रिएक्ट करते हैं फिर बात करेंगे। 3, 2, 1, लेट्स गो। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीतामा को लेने ऑल द वे लंका गए थे, 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, डैड आप जाओगे मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आपका तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। ओह भाई, नाइस। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। अरे भाई साहब, बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम? उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर 3री बार भी घुस जाते हैं। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर रवनी के लिए नहीं आया ना मैं तो सिंघम असली मराठा नहीं। अरे यार, ये मत क्या करो। ये श्रीलंका का एक लौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। थोड़ा कुछ बचा लेते भाई, कितना चले जा रहा है। अक्षय कुमार दिखाओ। की पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? कुछ छोड़ देते हैं भाई पिक्चर के लिए। पूरा क्लाइमैक्स सब कुछ तो बता दिया है। मतलब तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। अभी देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है।
मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं। तो कैसी लगी भाइयों सिंघम अगेन? बताओ, थिएटर तक जाने की जरूरत है क्या? अभी सब तो बता दिया भाई। ओ भाई देखो, मेरे को ट्रेलर अच्छा लगा, मैं सच बताऊंगा। मतलब कुछ कुछ जब मतलब बेसिकली ना इतना लंबा है कि YouTube वीडियो नहीं होते इतने आजकल लोगों के, तो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब स्टार्ट बहुत तगड़ा होता है। वो जो पूरा रामायण वाला एंगल इन लोगों ने इसमें घुसाया है, तो इट फील्स सो स्मूथ एंड मतलब काफ़ी अच्छा, ऐसे गूज़बम्स टाइप के फील होते हैं विद स्पेशली विद द बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग। तो वो अच्छा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप अपन कुछ बेहतरीन टाइप की चीज़ देख रहे हैं एंड वी आर इन फॉर समथिंग एपिक। और फिर वो गाड़ियाँ उड़नी शुरू हो जाती हैं, तो फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं अपन तो है तो उसी यूनिवर्स में रोहित शेट्टी की पिक्चर ही देख रहे हैं। बट आई विल स्टिल से कि मतलब वो अजय देवगन का जो परसोना है ना एज सिंघम, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा डोमिनेटिंग टाइप का है, क्योंकि जिस भी सीन में वो है यू फील कि भाई मज़ेदार। एंड मेरे को अच्छा लगा, मतलब ये पूरा जो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने क्रिएट किया है। आई ऑल्सो वॉन्टेड वन मोर थिंग, अगर रामायण के कॉन्सेप्ट पे आप लोग जा रहे थे तो अर्जुन कपूर एज रावण, आई एम नॉट सो श्योर, मतलब लेकिन फिर उनके साथ में भी ऐसे लोग होने चाहिए थे। मतलब अगर हीरो पांच हैं तो इट वुड मेक सेंस कि एटलीस्ट अच्छे तगड़े विलन भी तीन चार हों, इज व्हाट आई फील। बट हाँ, मतलब सही लगा मुझे, देखने में अच्छा है। इट लुक्स लाइक कॉप यूनिवर्स मूवी, जैसे सूर्यवंशी आई थी तो वो भी अच्छी थी। उसको देख के मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि पैसा वसूल करा के थिएटर से निकाल ही देंगे, क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ उड़ेंगी, एक्शन वैक्शन देखोगे और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा होगा, कन्वर्सेशंस भी होती हैं, फिर ऐसे तगड़े डायलॉग भी मारते एक के ऊपर एक, तो वो आपके अंदर वो फीलिंग तो जगा ही देते हैं, मतलब कि हाँ वो गूज़बम्स वाले थोड़े बहुत मोमेंट आ जाते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन लोगों ने करी वो था रामायण से पैरेलल ड्रॉ करना, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बहुत पहले ऐसा सुनने को मिला था कि शायद ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब इसमें कंफर्म भी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा सिंबॉलिक हो, बिल्कुल हेवीली सिंबॉलिक किया उन लोगों ने, सटल नहीं रखा इस चीज़ को। मतलब रामायण के शॉट्स हैं उसमें, आप श्री राम लक्ष्मण सबको देख सकते हो, तो यू रियलाइज कि मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हियर, और बिल्कुल भी सटल तरीके से, मतलब एकदम देखो बढ़िया। तो देखते हैं मतलब बाकी चीज़ें कैसे होती है, आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा सिंघम अगेन इज गोइंग टू बी लाइक अ ह्यूज क्रॉसओवर मूवी विद एवरी अदर कैरेक्टर दैट हैज़ अपियर्ड इन दिस कॉप यूनिवर्स, इनफैक्ट मोर, जो नए नए हैं उन लोगों को भी। और मतलब सभी कुछ दिखा दिया आपने, मतलब क्या क्या सीक्वेंसेस में वो लोग आ रहे हैं, और ऐसा मतलब इस ट्रेलर को देखकर तो एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मूवी का काफ़ी बड़ा पार्ट होंगे, जैसे कि दीपिका हो गई और मेरे ख्याल से रणवीर सिंह का सिम्बा, तो ये लोग काफ़ी बड़ा पार्ट होंगे। हो सकता है कि अक्षय कुमार जो है वो एकदम एक एंट्री लें और वहाँ से निकल जाए, बट स्टिल या मतलब आई लाइक इट। मेरे को देखना है कि मतलब मूवी में कैसे क्या चीज़ें होती है। आई जस्ट होप कि अर्जुन कपूर एज ए विलन इज ए गुड चॉइस, बस मतलब थोड़ा उस चीज़ को लेके मैं देखना चाहता हूँ कि वो अच्छी चॉइस होनी चाहिए। मतलब थोड़ा मैनेसिंग तो लग रहा है, बट वी ऑल नो, मतलब ठीक देखते हैं, ठीक है जैसा भी होगा देखेंगे।